नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज पटना पहुंच रहे हैं। लगभग देर शाम तक लालू प्रसाद यादव आज पटना पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि माना यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली से अपने जो परिवार में जो आंतरिक द्वंद्व चल रहा है उसका प्लान लेकर के आ रहे हैं कि किस प्रकार से तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच में सुलह करवाया जाए। हालांकि राबड़ी देवी ने पिछले दिनों प्रयास किया था कि दोनों भाइयों के बीच सुलह करवा दिया जाए, लेकिन कोई खास नतीजा सामने नहीं आया। लालू प्रसाद यादव जब पटना पहुंचेंगे तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि अपने परिवार में जो चल रहे आंतरिक द्वंद्व हैं, उन दोनों बेटों के बीच जो लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं उसको किस प्रकार से सुलझाया जाए। क्या कुछ खबर है इसको लेकर के विस्तार से बताते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे अरसे के बाद आज बिहार आ रहे हैं। उनको शाम तक पटना पहुंचने की उम्मीद है। राजद नेताओं का दावा है कि लालू के आने से बिहार में उनकी पार्टी को नई ताकत मिलेगी, कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और इसका नतीजा विधानसभा के उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत के तौर पर देखने को मिलेगी। तेजस्वी यादव का यह भी दावा है कि उपचुनाव की दोनों सीट जीत लेने के बाद राज्य में उनकी सरकार बन जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि लालू अपने परिवार में चल रहे खेला को शांत कराने का प्लान लेकर पटना आ रहे हैं। आपको बता दें कि बेटे तेज प्रताप यादव की शादी के बाद यह पहला मौका है जब वे पटना और बिहार की धरती पर कदम रख रहे हैं। तब लालू चारा घोटाले में सजा काट रहे थे और अब वे इस मामले में स्वास्थ्य आधार पर जमानत पर हैं। पिछली बार वे बेटे की शादी के लिए पैरोल पर पटना आए थे। तब से अब तक उनकी पार्टी और परिवार के साथ बिहार में काफी कुछ बदल गया है। लालू इस बार बिहार आते हैं तो उनको सबसे बड़ी चुनौती अपने परिवार में चल रहे खेला को शांत कराने की रहेगी। चुनाव के मोर्चे पर तो अब तेजस्वी यादव का चेहरा मेन स्क्रीन पर दिखने की तैयारी में है। ऐसा माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच सुलह कराने में सफल होंगे, लेकिन पिछले दिनों राबड़ी देवी ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी। इसका कोई खास नतीजा नहीं निकला था। अलबत्ता लालू के दौरे से पहले तेज प्रताप के तेवर जरूर ही पहले से थोड़े नरम दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की खराब सेहत के कारण उनके विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार पर जाने के आसार कम ही हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई पुख्ता सूचना नहीं मिली है। हालांकि यह तय है कि राजद अब बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्य चेहरे के तौर पर सामने रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि बिहार में जो दो सीटों पर उपचुनाव है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी लालू प्रसाद यादव जब बिहार आ रहे हैं तो चुनाव में नतीजा बदल सकता है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि जो परिवार में आंतरिक द्वंद्व चल रहा है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच, दोनों भाइयों के बीच जो महाभारत हो रही है उसमें लालू प्रसाद यादव कितना दोनों भाइयों के बीच की जो लड़ाई है उसको कितना सुलझा सकते हैं, क्या लालू प्रसाद यादव दोनों भाइयों के बीच में सुलह करवा पाएंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।